नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब किसी के CKD या CRF यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो जाए, यानी वो कंडीशन जब आपके गुर्दे फेल हो जाए, या आप समझ सकते हैं कि जब आपके गुर्दे की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसके कारण जो है उस पेशेंट्स के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे कि रूटीन के अंदर अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप समझ पाएंगे मेरी बातों को कि आपका ब्लड का यूरिया लेवल बढ़ने लगता है, आपका सीरम क्रिएटिन लेवल बढ़ने लगता है, आपका GFR लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसी तरह से आपके यूरिन में भी एल्बुमिन आने लगता है। दोस्तों, ये कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी ये कुछ टेस्ट हैं जो कि ये इस चीज़ को बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी फेल हो रही है और आपके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। और ये सारे ब्लड टेस्ट जिसका मैंने आपको बताया आपके डॉक्टर्स करवाते हैं, जिससे कि वो इंडिकेट करते हैं या इस चीज़ का पता लगाते हैं कि आपकी किडनीज में जो है कितना उनकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के अंदर गुर्दे फेल होते हैं या काम करना बंद करते हैं CKD या CRF के कारण, तो उसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आपकी किडनी या गुर्दे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। दोस्तों, इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारी जो किडनी है क्यों फेल हो जाती है, CKD के क्या कारण है, किस कारण से आपको CRF हो सकता है, क्यों आपके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मैं ऊपर लिंक दे देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या कारण है किडनी फेल होने के कारण। दोस्तों, उसी प्रकार जब आपकी किडनी फेल होने लगती है तो उसके आपके बॉडी में कुछ सिम्टम या लक्षण भी आने लगते हैं, जिनसे कि आप शुरू में पता लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे शरीर में ये बदलाव आ रहे हैं, तो ये बदलाव कहीं किडनी फेल्योर के सिम्टम तो नहीं है। दोस्तों, इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका मैं ऊपर लिंक दे देता हूं, वो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो किडनी फेल होती है उससे आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम या लक्षण आने लगते हैं। और दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के सिम्टम या लक्षण आते हैं तो आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसको कि रीनल फंक्शन टेस्ट या RFT रूटीन में कहा जाता है। आपका यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है और आपको सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड और कुछ दूसरे टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये जब सारे आपके टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका ब्लड यूरिया लेवल बढ़ने लग गया है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहने लग गया है, आपका सीरम क्रिएटिन लेवल बढ़ने लग गया है, आपके यूरिन के अंदर एल्बुमिन आने लग गया है, या आपका GFR लेवल कम होने लग गया है। दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स, ये सारी रीडिंग्स, ये सारे टेस्ट इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आपकी किडनी पे किस लेवल तक का जो है डैमेज होने लगा है, या आपकी किडनीज की जो कार्य करने की क्षमता है किस तरह से धीरे धीरे कम होने लग गई, और किस तरह से वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में बढ़ने लग गया। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होने लगती है तो आपके डॉक्टर जो है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो रूटीन में, या जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ वो आपको कुछ रिकमेंड करते हैं कि आपके आगे की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डिसाइड की जाती है, उसके अंदर आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट की जाती है, कुछ आपको डाइट से रिलेटेड गाइडलाइन भी दिए जाते हैं जो मैं आपको बोलूंगा आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इन सारी चीज़ों में दोस्तों आपको बहुत स्ट्रिक्टली रहना चाहिए और इसको बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, जब ये चीज़ें बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर फिर जो है दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी आपकी शरीर में आपकी किडनी हटा के और वहां पर एक नई जो है डोनर से एक किडनी वहां पे जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, यानी आपके शरीर के अंदर एक नई किडनी लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रूटीन में इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता और सबके लिए इतना संभव नहीं हो पाता, तो रूटीन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो ऑप्शन बचता है वो बचता है डायलिसिस। तो जिसके अंदर जो डायलिसिस एक प्रोसेस होता है, दोस्तों डायलिसिस क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, इस टॉपिक को भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका मैं लिंक ऊपर दे देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि डायलिसिस क्या होता है, और अगर डायलिसिस शुरू हो गया तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको अगर आप लेते हो तो जल्दी से जल्दी आप डायलिसिस से बाहर आ सकते हैं, या आप इसको और बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर यूरिया बढ़ने लग गया है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, आपका GFR कम होने लग गया, तो इन कंडीशंस के अंदर क्या होम्योपैथी के अंदर ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको अगर हम लेते हैं तो तेजी से हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिले, हमारी किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगे, और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं ये कम से कम बने, और हमारी किडनी वापस थोड़ा सा जो है वर्किंग एफिशिएंसी उसकी बढ़ने लगे, और किस तरह से जो है हम लोग डायलिसिस से भी बच सके। दोस्तों, यहां मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन है जो होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, और मैं सिर्फ वही मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर नीड और सिम्टम्स यूज होती है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 बेस्ट मेडिसिन बताने वाला हूं जो कि आपके यूरिया क्रिएटिनिन लेवल को जो है कंट्रोल करती है और आपके GFR लेवल को भी बढ़ाती है।
दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है सीरम एंजिल। दोस्तों सीरम एंजिल को एल सीरम भी कहा जाता है। दोस्तों सीरम एंजिल को 6x पोटेंसी में लेना चाहिए और इस मेडिसिन को जब आपका क्रिएटिनिन लेवल काफी बढ़ गया है, आपका यूरिया लेवल काफी बढ़ गया है, जीएफआर काफी कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको इसको दिन में कम से कम 6 बार लेना चाहिए। और दोस्तों इसको लेने का तरीका है कि इसको 6x पोटेंसी में आपको लेना चाहिए और इसकी 2 से 3 बूंद को थोड़े से पानी में आप जो है मिक्स करके और 2-3 घूंट में आपको धीरे धीरे पीना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके अंदर बहुत ही अच्छे वर्क करती है किडनी फेल्योर के अंदर वो है आपकी टर्बेंथिना 30। दोस्तों टर्बेंथिना 30 पोटेंसी को भी आपको दिन में 6 बार लेना चाहिए। इसको आप डायरेक्टली इसकी 2 बूंद टंग पे ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स या दानों में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है लाइकोपोडियम 30। दोस्तों लाइकोपोडियम को भी 30 पोटेंसी में आपको दिन में 6 बार लेना चाहिए और दोस्तों इसको भी आप डायरेक्टली टंग पे 2 बूंद ले सकते हैं या थोड़े से ग्लोब्यूल्स या दानू में मिक्स करके भी लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 भी किडनी फेल्योर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये भी धीरे धीरे आपके क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल, जीएफआर, इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाती है और इसको भी आपको दिन में 6 बार लेना चाहिए। इसको भी आप डायरेक्टली जी पे ले सकते हैं या कुछ दानों में मिक्स करके भी ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी मेडिसन्स जब एक्यूट कंडीशन है और आपके क्रिएटिन लेवल काफ़ी बढ़े हुए हैं, यूरिया लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसे के अंदर आपको कम से कम दिन में 6 बार लेनी चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स इंप्रूव होती जाती है उनमें सुधार होने लगता है, धीरे धीरे आपका जो है किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने लगती है तो आपके डॉक्टर धीरे धीरे इसको 6 बार से जो है 4 बार पे शिफ्ट करते हैं, फिर 3 बार पे, फिर 2 बार पे, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम करते जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी मेडिसन्स दोस्तों किडनी फेलियर के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। सीकेडी है, सीआरएफ है, या अगर आपको पता चले कि आपका यूरिया लेवल बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, जीएफआर लेवल कम हो गया, या यूरिन में एल्बुमिन आने लगा है, दोस्तों कोई भी कंडीशन है जो ये बताती है कि आपके गुर्दे फेल होने लगे, इनका काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगी है, दोस्तों ये मेडिसिन उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों इसी के साथ और भी कुछ मेडिसिन है जो एज पर नीड और सिम्टम्स यूज की जाती है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट वो है जो हमेशा आपको डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं। दोस्तों ये सारी मेडिसिंस अगर यूज की जाती है तो मैंने मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और धीरे धीरे पेशेंट्स की किडनीज की जो रिपोर्ट्स है उसमें सुधार आने लगता है और डायलिसिस की तरफ जो जाने वाले पेशेंट्स होते हैं या जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं तो उनको जब हम डायलिसिस वाली मेडिसिंस देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा सुधार होने लगता है और धीरे धीरे डायलिसिस की जरूरत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों यहां इस वीडियो में मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की किडनी की डिजीज है, किसी भी प्रकार की किडनी की बीमारी है, आपको तुरंत अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके गाइडेंस में जरूर आपको मेडिसिंस लेनी चाहिए। और दोस्तों यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये सारी मेडिसिंस आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ के गाइडेंस में जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में ले सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना आपको उसमें गैप रखना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी से लेना चाहिए। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की किडनी डिजीज है बिल्कुल भी नहीं घबराएं और कोशिश करें अपने नजदीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले और उनके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट लें और डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको किडनी फेलियर पे जानकारी दी है, जो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल के बढ़े हुए लेवल पे जानकारी दी है और जो मेडिसिन आपको बताई है ये आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।